उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डूबी पड़ी है। सोनिया गांधी डर के भाग गई क्योंकि जनता का जवाब नहीं दे सकती थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट बीजेपी की आएगी। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी की रैली में पूरी की पूरी कुर्सी खाली पड़ी थी। दूर दूर तक एक भी जनता दिखाई नहीं दे रही थी। यह वही अमेठी है जो कभी गांधी नेहरू खानदान का गढ़ हुआ करता था। आज राहुल की सभा में सिर्फ खाली कुर्सियां पहुंची। आपको सोचना होगा, हिफाजत के लिए आप गांधी देने के लिए तैयार हो। अगर आप भी नहीं बचते। गांधी परिवार का कोई सदस्य शहर से गुजरे और गाड़ी से उतरकर लोगों से हाथ तक न मिलाए, अमेठी वासी यह सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन सोमवार को राहुल गांधी का अंदाज अलग सा था, कुछ अनमने से। पिछली बार राहुल जब यहां आए थे तो लोगों से घुले मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। उनके इस व्यवहार की लोग चर्चा भी करते रहे। सोमवार को अमेठी में राहुल गांधी ने वाहन से ही 35 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को देख कर हाथ हिलाया, मगर कहीं उतरे नहीं। किसी बच्चे को दुलराया नहीं, न ही किसी बुजुर्ग का हालचाल पूछा। गांधी परिवार के सदस्य पहले अक्सर यह सब करते थे। मंच से जब कांग्रेस के सारे नेता अमेठी में गांधी परिवार के भावनात्मक रिश्ते की बात कर रहे थे, उस दौरान भी राहुल ने अपने और अमेठी के रिश्ते को केवल एक ही वाक्य में यह कहकर परिभाषित किया कि अमेठी और उनका गहरा व प्यार का नाता है। राहुल के बदले बदले से अंदाज पर जगह जगह चर्चाएं होती रही। स्टेशन चौराहे पर चाय की चुस्कियों के बीच बुजुर्ग लक्ष्मण प्रसाद व भवानी शंकर कहते दिखे कि राहुल का वे पहले जैसा अपनापन नहीं दिखा। जामो मोड़ के पास मिले धर्मेंद्र शुक्ल का कहना था कि पहली बार वे बिना लोगों से मिले बस हाथ हिलाकर चल दिए। कहीं ना कहीं उनके मन में वर्ष 2019 की हार की टीस जरूर है। कलेक्ट्रेट आए जगदीशपुर के भीकी राम का कहना था कि राहुल गांधी बचपन से पिता के साथ आते रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी अपनी गाड़ी रोककर लोगों से मिलते थे, राहुल भी पहले परिवार की तरह ही मिलते थे। बाजार में अशरफी लाल सहित कई लोगों के यहाँ वे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलते और उनसे हालचाल लेते। अमेठी के राजेश कुमार मिश्र ने कहा कि राहुल गांधी 2 साल बाद आए, लेकिन उनमें अपने लोगों के प्रति पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखी। अंकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि सांसद के रूप में जब राहुल गांधी आते थे उस समय उनके मिलने का अंदाज और बातें दोनों अलग थी। शान मोहम्मद ने कहा जैसे इस बार कुछ परिवर्तन दिखा। भीड़ देखने के बाद राहुल गांधी तत्काल उतरते थे और लोगों से मिलते और उनका हालचाल जानते, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को अमेठी पहुंची। ऐसे में इस दौरान लोगों ने राहुल गांधी वापस जाओ और जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए, अमेठी एक बार नहीं आए तो अब क्या करने आए हैं। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकना, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी जारी रही। अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।